यार वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके की ढोलक सीखने को मिली। एक वहाँ पे एक लेडी थी, बहुत ही सुंदर ढोलक बजा रही थी, बहुत सुंदर। तो और आज मेरे हस्बैंड भी आए हैं छत में घूमने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीता जोशी ब्लॉग में। सो दोस्तों, आज है नवरात्रि का चौथा दिन। सबसे पहले आपको नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि माँ कुष्मांडा जी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रही, यही प्रार्थना करती हूँ। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत करूँ, सुबह सुबह नाश्ता बनाते वक्त ये देख रहे हो आप, मेरे पीछे बन रहे हैं मेरे आलू, आलू के गुटके बन रहे हैं और बना रखे हैं पूड़ियाँ और रोटी। खाती हूँ आपको, ठीक है? देखो, पूरी और रोटी बना रखी है, दो चार ही पूरी बनाई क्योंकि ज़्यादा पूरी सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो नाश्ता करते हैं, चाय उबल रही है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता रेडी है। मैंने आलू के गुटके जो हैं जखिया का तड़का लगा के बना रखे हैं, मुझे बहुत पसंद है जखिया, उसको खाने में ना अलग ही टेस्ट आता है। और पूरी हाथ आलू बहुत अच्छे लगते सूखे। ठीक है दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोगों से। तो मैं आ गई हूँ छत में कपड़े सुखाने के लिए। आज ज़्यादा कपड़े नहीं है क्योंकि आज बृहस्पतिवार है ना, तो मेरी सासू माँ जो है व्रत लेती है बृहस्पतिवार का, तो उस दिन हम कपड़े नहीं धोते, साबुन नहीं लगाते, मतलब ऐसे ही छवा दिए हैं। तो बस अपने कपड़े जो पहनते हैं रोज के डेली के। और आज धूप देखो कितनी तेज आई है, थोड़े देर छाया में आई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए भी। बहुत साफ आसमान है, ये देखो पूरा आसमान बिल्कुल साफ है और कड़ी धूप लगी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे असोज के टाइम पे जैसी धूप होनी चाहिए ना, वही धूप है आज। क्योंकि वैसे भी असोज का ये महीना चल रहा है, तो काम वाम भी हो रहा होगा, घरों में बहुत सारा काम हो रहा है, तो धूप चाहिए, वरना अगर धूप नहीं आएगी ना तो फिर जितने भी फसल वगैरह सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए ऐसी धूप कड़क चाहिए। अच्छी धूप आ रही है आज। और आज मेरे हस्बैंड भी आए हैं छत में घूमने के लिए, इन्हें ज़बरदस्ती उठा के लाई हूँ थोड़ा घूमो। दोस्तों मैंने सोचा है कि अब से मैं अपने व्लॉग डेली व्लॉग डालूंगी, और वो भी कितने बजे, रोज 9 बजे डालूंगी, मेरा एक फिक्स टाइम है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा दोस्तों, जल्दी दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा, ताकि मेरा भी चैनल मोनिटाइज हो जाए। एंड मैंने पपीता कुछ आवश्यकता से अधिक पक चुका है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है, मीठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत मीठा हो रहा है, मिश्री जैसा। तो धन्यवाद बुआ एंड फूफा जी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ब्लॉग के माध्यम से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी पपीता लाने के लिए, ठीक है? और सेब लाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। ठीक है, आपकी सासू माँ को, उनका व्रत है आज बृहस्पतिवार का। ठीक, तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत में कपड़े उठाने के लिए, और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। और ऊपर देखो आसमान में हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं, कपड़े तो बहुत कम थे तो सूख गए हैं, उठा लेती हूँ इनको। ऐसा मन कर रहा है कि छाया में बैठ जाऊँ छत में, क्योंकि हवा चल रही है अभी थोड़ा थोड़ा। I'm not afraid to die।
मेरा मन कर रहा है लगाओ। मैं खुद वैसे हूं तो मैंने गा दिया चले पर जानो सारे अलग अलग तरीके की ढोलक सीखने को मिली। एक वहाँ पे एक लेडी थी, बहुत ही सुंदर ढोलक बजाई थी, बहुत सुंदर, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है। अलग अलग तरीके से नेपाली धुन अलग, पंजाबी अलग और पहाड़ी अलग, सारे धुन उनको आते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी ढोलक बजाई है। और मैं रिकॉर्ड किया है, आप लोग पूरी लास्ट तक देखना वीडियो, तो आपको दिख जाएगा। और आज बहुत अच्छा लगा कीर्तन भजन में जाके। अभी मैंने साड़ी पहन ली थी वहाँ जाने के लिए, ये देखो। तो अभी हम अभी बज गए हैं 6:15 हो गए, तो पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना देखते हैं क्या बनाना है। मिलते हैं आपको भी थोड़ी देर में, ठीक है। प्रसाद मैंने ले लिया था ये। अच्छा दोस्तों खाना खा लेते हैं। सॉस मुझे अच्छा लगता है। आज बनी है आलू और न्यूट्रीला की सब्ज़ी। ये देखो तरी वाली पसंद है मुझे, तो इसलिए मैं तरी ज़्यादा लाई हूँ अपने लिए। ओके दोस्ती, तो दोस्ती कह रही हूँ दोस्तों, तो खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। और अगर नहीं हो तो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और यूँ ही सपोर्ट करते रहेगा। आप लोगों का प्यार रहेगा तो चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा जल्दी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अमित आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। और आज माँ कुष्मांडा मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही आशा के साथ, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। जय माता दी।